एक और ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अचानक मुझे कहीं जाना है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड जस्ट अभी मैंने शार लिया है एंड मैं पूजा करने जा रही हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे ही मैं पूजा करती हूँ। 5 मिनट या 10 मिनट जैसा भी मुझे समय मिलता है मैं ज़रूर रेगुलर वे में करती हूँ, क्योंकि ये मेरी एक हैबिट बन चुकी है। बहुत ही छोटे टाइम से मैंने अपने घर में पूजा की है तो ये मेरी एक आदत है। तो देखो मेरी तुलसी मैया रखी हुई है एंड इसके सामने मैंने एक हैंगिंग लटका के रखा है। बोला जाता है कि ऐसा शुभ रहता है, तो अगर आपके यहाँ पे देखो मेरा एक रेक लगा हुआ है, तो अगर आपकी बालकनी में भी स्पेस कम है तो आप इस तरह से रेक वगैरह लगा सकते हैं, छोटे मोटे सामान पूजा का दीपक लगाने के, तो नीचे गिरने के जो चांसेस रहते हैं वो कम रहते हैं। तो जल्दी से मैं पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ। एंड आप ये देखो पूरी बालकनी में जो है मेरे कपड़ों से भरी पड़ी है, हैव अ लुक। एंड ये आप देख रहे हो ना, ये देसी जुगाड़ है। किसके घर में इस तरह से कपड़े सुखाए जाते हैं प्लीज मुझे बताइएगा। मैं अपने किचन में आई हुई हूँ, ये देखो मैंने गोभी उबाल के रखा है, इसकी सब्जी बनाऊंगी, बना के जाऊंगी ताकि इनको प्रॉब्लम ना हो। तो मैं पहले पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं आज अपनी गोभी की रेसिपी मैं कैसे बनाती हूँ आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। एंड ये देखो ये वॉश बेसिन है, यहाँ पे सिर्फ मैं भगवान जी के बर्तन धोती हूँ। एक्चुअली मुझे आदत हो गई है, मैं जूठे बर्तन इसमें नहीं धोती हूँ। जो धोते हैं उस वो कुछ गलत नहीं है, बट मेरी जो आदत है मैं यहीं पे बर्तन धोती हूँ, सिर्फ भगवान जी की पूजा के जितना भी बर्तन रहता है मैं इसके अंदर धोती हूँ। तो ये मैंने देखो कढ़ाई में यहाँ पे तेल गरम कर लिया है। एंड अगर आपको मैं यहाँ पे टिप बताना चाहती हूँ, तेल में अगर आप थोड़ी सी हल्दी डालोगे, जिनके किचन में चिमनी नहीं है, मेरे किचन में फैन भी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे फैन लगने की जगह है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो नहीं लग पाता है। तो इस तरह से अगर आप हल्दी डाल दोगे तो जो तेल के छींटे होते हैं वो बहुत कम पड़ते हैं, कभी ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो हल्दी और नमक लगा के बॉईल करके रखा था गोभी, उसे मैं फ्राई करूंगी। तो बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है जब तक लाल ना हो जाइए। अब हो चुकी है तो मैं एक बर्तन में उठा के इसे रख लूंगी। मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल और डालूंगी, मैं मस्टर्ड ऑयल खाती हूँ तो आप जो भी ऑयल प्रेफर करते हो डाल सकते हो। को गर्म होने दूंगी, उसके बाद इसमें जीरा ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून, एक बड़ा हरा मिर्च है जिसे मैंने बीच से कट कर लिया है। उसके बाद ये जीरा और हरी मिर्च इसमें मैं डाल दूंगी। इसमें मैं एक बड़ा सा प्याज ऐड कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे मोटा मोटा कट किया है, आप किसी भी तरह कट कर सकते हो। आवाज सुनने में तो बड़ा मजा आता है ना। जब प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, ये आलू को देखो पतला पतला लंबा लंबा काट के रखा है, इसे ऐड करूंगी। एंड इसे ढक के जब तक आलू जो है बिल्कुल फ्राई ना हो जाए अच्छी तरह, तब तक आपको पकाना है। आलू बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं, ये देखो रेड हो चुके हैं अच्छे से। आपने इसको लाल करके फ्राई करना है। तो मैंने मसाला पहले से तैयार करके रखा था, तो इसमें मैंने अदरक लहसुन जीरा हरी मिर्च और धनिया पाउडर डाला है, जितने भी हमारे देसी स्पाइसेस रहते हैं उसे मिक्स किया है। एंड इसे आपको इस आलू जो फ्राई हुआ उसमें डालना है। प्लीज एक बार ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा बनता है। आप खाओगे ना तो आप आलू को याद रखोगे। एंड थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, तो ये कश्मीरी रेड चिली जैम आता है, तो आप ये देखो जैम को अच्छे से साफ करके जैम की बोतल को इस तरह से फिल करके रख सकते हैं, कलर को कलर कर सकते हो आप। खुशबू है ना, काश मैं आप लोगों तक पहुँचा पाती, बट आप इमेजिन करो बहुत अच्छा अरोमा निकलता है जब ये सारे मसाले फ्राई होते हैं। ये आप कम मसाला दे के सब्जी बनाते हो, मैं मसाले उतना नहीं खाती हूँ, मैं बहुत कम खाती हूँ। तो आपके जब मसाले जलने लगे तो इस तरह से कटोरी में पानी रखें, थोड़ा सा पानी दो फिर फ्राई करो, इससे आपके मसाले बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। फिर 5 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई करूंगी। अब इसमें मैं टोमेटो को मिक्स करूंगी, जब मसाला फ्राई हो जाए तब आपको टोमेटो को मिक्स करना है। तो इसमें मैं नमक ऐड करूंगी, आपको बिल्कुल मसाला को कालू राम बना देना है आपने। उसके बाद ये जो मैंने फ्राई करके रखा है कॉलीफ्लावर, इसको ऐड करूंगी। टमाटर जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाने चाहिए। कढ़ाई में से बाहर आ गए, ये बोल रहा है मुझे नहीं बनाओ, बट मैं इसे बनाऊंगी। एंड अभी पानी को मैं ऐड करूंगी। इसका कलर आप देखो इतना सुंदर आया है, सब्जी का कलर।
एंड जब पानी में एक उबाल आ जाए तो लिड को आपको लगा के इसे स्लो फ्लेम पे 5 to 7 minutes कुक करना है। ऐसा अगर आप करोगे तो आपकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी, आप अगर लो फ्लेम पे 5 to 7 minutes इसे कुक करते हो तो। तो उसके बाद में आपकी जो सब्जी है वो रेडी हो जाएगी लगभग। लास्ट में आपको गरम मसाला देके इसे फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो आप लोगों को थोड़ा सा बोर फील हो किचन में काम करते तो खुद में एंजॉयमेंट कर लिया जाए। ये देखो मैंने अभी ट्राइपॉड रखा हुआ है। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, एक किस्मत की हवा कभी नरम कभी नरम कभी गरम गरम गरम। मैं ऐसी पागलपंती करती रहती हूँ तो प्लीज करना चाहिए ताकि काम में भी आपका मन लगा रहे। सारे काम मैंने खत्म कर लिए, सब्जी बना ली, जितना भी काम थे घर के सारी खत्म हो चुके हैं, बस पराठे बनाने बाकी हैं। एंड आपकी देखो मैं आपकी चाय इंजॉय करूँगी क्योंकि चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, चाय के बिना उनकी शुरुआत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मैं अभी अपना चाय इंजॉय करती हूँ एंड मैं बैल्कनी में बैठी हूँ। मुझे इस तरह से बैल्कनी में बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये देखो जो ग्रास मैंने बोला था ना कि मुझे ग्रास चाहिए अपनी बैल्कनी के लिए, तो ये ग्रास मैंने, आपने अगर मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो मैंने उसमें ख़रीदा था ये ग्रास, आप लोगों से शेयर भी करा था। नहीं देखा तो वो ब्लॉग भी चेक करिएगा। एंड बहुत खूबसूरत लगता है ये बिछने के बाद में, बिल्कुल रियल वाली ग्रास की जो फीलिंग है वो आती है। अगर आपको ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो। एंड यहाँ पे मेरी चाय रखी हुई है एंड ये देखो बहुत ही छोटू सा बैल्कनी है। यहाँ पे कुछ कपड़े धोए थे मैंने, तो ये देखो थ्रेड जो है मेरी शॉल में से निकल आया है। तो आप चाहो तो इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी ये। तो अभी मैं स्टेशन पहुंच चुकी हूँ एंड ट्रेन लेने के लिए जा रही हूँ। सबसे पहले मुझे टिकट लेना है एंड टिकट लेने के बाद मैं ट्रेन में बैठ के फिर आपसे मिलती हूँ। मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ, एक्चुअली ये लोकल ट्रेन है एंड ट्रेन जो है बिल्कुल भी अभी तो बिल्कुल रश नहीं है। आई डोंट नो व्हाई कि दोपहर का टाइम है, ऑफिशियल टाइम नहीं है, अभी खाली खाली सा ट्रेन है। तो मैं अपनी डेस्टिनी पे उतर के आपसे मिलती हूँ। आप भी सोचोगे दीपो अचानक कहाँ जाना पड़ा, तो वेट करिए, ज़रूर बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मिलवाऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ एंड किस काम के लिए जा रही हूँ। तो बने रहिए एंड तब तक मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ स्टेशन का, कि स्टेशन अभी कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल खाली सा है, जस्ट ट्रैवल हो रही है, कितना खाली लग रहा है ये, बिल्कुल भी स्टेशन जो है बिल्कुल खाली है, साफ सुथरा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। इधर जो है ट्रेन आ रही है तो थोड़ा बहुत इधर रश है, बट इधर का जो व्यू है मैंने आपको दिखाया बिल्कुल भी खाली था। तो अभी जो है वो आने वाला है जहाँ मुझे उतरना है, तो बस मैं उतर के फिर आप लोगों से बात करती हूँ। एंड मास्क पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन लग रहा था, इसलिए मैंने मास्क उतार दिया यार, बहुत ही ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था। तो अभी देखते हैं, तो ट्रेन जो है आप ये देखो ये छूट गई है, ये लोकल ट्रेन है, दो तरह की ट्रेन यहाँ पे चलती है एंड ये हमारी लाइफ लाइन है कोलकाता में। यहाँ पे देखो बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स हैं यहाँ पे, यहाँ से मैं फ्रूट्स ले रही हूँ कुछ जिनसे मैं मुझे मिलने जाना है, बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं यहाँ पे। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ, मुझे अपनी मम्मी के घर में आना था, कुछ काम था मुझे, इसीलिए मैं आई हूँ। एंड देखती हूँ किचन में कौन है, तो ये हम प्याज छील रही है और इसके आंसू निकल रहे हैं, खाना बनाने में लगी हुई है। तो अगर आपको नहीं पता है कि इसका भी एक चैनल है ब्लॉगिंग का, इंडियन ब्लॉगर खुशबू के नाम से, प्लीज चेक करिएगा इसके चैनल को भी। बहुत दुख हो रहा है यार कि मैं अभी आई हूँ एंड थोड़ी देर के बाद मैं निकल जाऊंगी, कुछ काम था इसीलिए आई हूँ। फैमिली टाइम एंजॉय करते हैं, फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, स्पेशल फ्रेंड से मिलवाती हूँ। मैं अपनी मम्मी के यहाँ आई हूँ और यहाँ पे आपको देखो बजरंगबली जी दिख रहे होंगे, हनुमान जिसे हम कहते हैं वो आया हुआ है, ये अक्सर ही यहाँ पे देखे जाते हैं। तो आपको मैं डर लग रहा है बट क्लोजर फुटेज दिखा रही हूँ, ये देखो आप। हेलो हाउ आर यू, और एक आ रहा है आप वो देखो उसका फ्रेंड, उसे कंपनी देने के लिए, चलो रेस्टोरेंट के ऊपर बैठ के चाय पीते हैं। दे रही है एंड ये बहुत ही मजे से बिस्किट खा रहा है, तो बहुत ही केयरफुली अगर आप कुछ खिलाना चाहते हो तो बहुत ही प्यार से, इन्हें भी पता है कि अगर आप इन्हें हार्म नहीं करोगे तो ये भी आपको हार्म नहीं करेगा। बिस्लेरी वाटर, बिस्लेरी। हाँ गांधी जी।
देखो यहाँ पे जो मंकी बैठा हुआ है कितनी बिल्कुल कूल तरीके से बैठा हुआ है, एंड ये बिल्कुल वेट कर रहा है, एंड बहुत देर हो गई ये मेरे घर से नहीं जा रहा है, एंड हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारे घर से जाए क्योंकि घर पे बच्चे हैं। तो फाइनली अब मैं मम्मी के घर से रिटर्न जा रही हूँ घर, एंड सी व्हाट आई हैव, बिल्कुल भरा हुआ बैग है, मेरे हाथ में बिल्कुल कुछ नहीं था। तो यही होता है मम्मी के घर आने का डिमेरिट कि आप खाली हाथ जाते हो और घर के आपके पास एक बैग रहता है। तो बस जल्दी से घर पहुँचना है, एंड घर से निकलते टाइम मैंने शूट नहीं करा बिकॉज अच्छा नहीं लग रहा यार घर से निकलते टाइम शूट करूँ। तो मैं घर जब पहुँच जाऊँगी तो आप लोगों से मिलती हूँ चाय वाय के साथ। फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। अब कहीं से भी सफ़र करके आते हो तो बहुत ज़्यादा टायर्ड फील होता है आपको, एंड मैं जा रही हूँ थोड़ा सा चाय बनाऊँगी, एक्चुअली थोड़ा सा नहीं ज़्यादा ही चाय बनाऊँगी ताकि थोड़ा सा रिलीफ फील हो। एंड आज मुझे वीडियो भी शूट करना था, फैशन रिलेटेड एक वीडियो शूट करना था, बट अब बहुत थक गई हूँ, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, तो फिर मैं उसे बाद में कंटिन्यू करूँगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड मैं आप लोगों से एक सजेशन लेना चाहती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि हर एक संडे मैं अपने चैनल पे एक ब्लॉगिंग करूँ। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट देना, मुझे बिल्कुल ना भूले, प्लीज़ बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड प्लीज़ आप लोगों को मेरी ब्लॉगिंग कैसी लगती है, एंड जो स्पेशल मेहमान से मैंने आपको मिलाया वो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा, एंड बहुत टाइम फील हो रहा है। तो चलिए मिलती हूँ और किसी अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर, एंड बाय बाय, गुड नाइट।